Welcome to SG Inceptions, your aquarium channel. I am at the Blue Planet Expo 2020 at Manashree Hall in Vasai West. ये एक aquarium fish exhibition है और इसके अंदर काफ़ी सारे खूबसूरत ornamental fish types हैं और ये आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं. So make sure you stay tuned till the end of this video. So this aquarium expo is organized by Mr. Devarsh Boyer, who is the owner of aquamarines, and यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने starting में एक display tank रखी at the entrance. Now I'll be taking you towards the aquarium exhibition और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे इन्होंने tanks रखे हैं और हर एक टैंक में इन्होंने डिवाइड किए फिश वराइटीज़, ऑर्नामेंटल फिशेज़ है इसके अंदर, कुछ कुछ जो है नेटिव फिश स्पीसीज़ है जो हम कवर करने वाले हैं. एंड टैंक्स भी आप देख सकते हो काफ़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर इन्होंने वाटर मेंटेन करके रखा है. तो मुझे काफ़ी पसंद होता है जब भी कोई एक्वेरियम फिश एग्जीबिशन होता है, कवर करने को मुझे मिलता है, मुझे इन्विटेशन आती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये कवर करने के लिए, बिकॉज इससे जो है हमारे इंडिया की और जहाँ पे ये एक्वेरियम फिश एग्जीबिशन हो रहा है उस एरिया में एक्वेरियम हॉबी भी डेवलप हो जाती है, बिकॉज काफ़ी लोगों को जो है इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है ये जब फिशेस के बारे में यहाँ पे विजिट करते हैं, ये सब देखते हैं. और इन्होंने और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप देख सकते हो कि इन्होंने हर एक फिश टैंक के नीचे जो है इन्होंने कुछ फिशेस की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की है और फिश टैंक को कैसे आप रख सकते हो, कैसे आपके फिशेस को आप हेल्दी रखें, वो सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस फिश टैंक्स के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले की है. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. दिस इज द एक्वेरियम एक्सपो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्वामरीन्स एट वसई वेस्ट. एंड इन दिस सेक्शन यहाँ पे इन्होंने कुछ SRD फ्लावरॉन्स, गोल्ड फिश के वराइटीज, सिकलेट्स एंड अरवानास डिस्कस डाले हैं जो हम बाद में कवर करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फिश टैंक और हमारे साथ है इस एक्वेरियम एक्सपो के ऑर्गेनाइजर मिस्टर देवर्ष बोयर. हेलो देवर्ष भाई, कैसे हो आप? आई एम गुड. या तो देवर्ष भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एट दिस एग्जीबिशन दैट यू हैव ऑर्गेनाइज. एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये तो सब देख के. और कब जब भी ऐसा कोई एक्वेरियम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कोई करता है, मुझे ऐसा एक्वेरियम ऑब्वियस खुशी होती है कि हमारे इंडिया में और ये जो लोकेशन है वहाँ पे जो है एक्वेरियम हॉबी के बारे में लोगों को जानकारी होती है और उनको इसके बारे में पता चलता है. एंड आपने इनिशिएटिव लिया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. ये फिश के बारे में कुछ जानना चाहूँगा भाई मैं. ये इस फिश का नाम चितला फिश है. यू कैन ऑल्सो कॉल इट नाइफ फिश. नाइफ फिश, ओके. इट इज अ मॉन्स्टर वेरिएंट फिश है. ये काफ़ी बड़ा हो जाता है. ऑलराइट. इसमें 4 to 5 अलग वेरिएंट्स है. क्लाउड नाइफ भी इसके एक फैमिली ग्रुप में से. क्लाउड नाइफ आपको पता होगा. जी 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 जी. और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भी रखी है इनके बारे में. चितला लोपेस इनको बोला जाता है. और राइट, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फिश टैंक में. यहाँ पे कौन सी फिश है भाई? इसमें 2 वेरिएंट्स है. okay. एक है एलिफेंट नोज फिश और दूसरी बैंजो कैट फिश जो यहाँ पे ऊपर ये. yes, है बैंजो कैट. और राइट, एंड एलिफेंट नोज के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहोगे भाई? एलिफेंट नोज फिश देखिए एक वार्म वाटर फिश है. okay. वो ज़्यादातर 25 सेंटीमीटर्स तक बड़ी हो जाती है. okay. प्रीटी ह्यूज. okay. और थोड़ी सी एग्रेसिव फिश है. हम ज़्यादातर इस फिश को सेम वेरिएंट्स के साथ रखते हैं, पर बैंजो कैट फिश एज वो बॉटम पे रहने वाली फिश है. अच्छा, ओके. तो देखिए भी हमने थोड़ी सी हाइडिंग स्पेसेस रखी है ताकि सेसियन दिखाई दे. अच्छा. तो दे आर क्वाइट कंपेटेबल विद ईच अदर. ओके. और बैंजो कैटफिश और एक जो वेरिएंट इस टैंक में है. यस. यू कैन सी इट, ये किसी लीफ की तरह है. इसका कैमोफ्लेज पैटर्न आप देखेंगे तो इट्स स्टे स्टिल लाइक अ स्टोन. यस, आप देख सकते हो. जी, वेरी यूनिक फिश. आप हमेशा इस तरीके का वेरियंट नहीं देख पाओगे. नाउ वी आर वॉचिंग द नेक्स्ट फिश टैंक और इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ लवली फिशेज है. तो सबसे पहले भाई ये फिश का नाम जानना चाहूंगा. ये लिलीपू फिश है. सिकलेट वेरियंट है. सिकलेट वेरियंट. ओके. सिकलेट वेरियंट. और दूसरी वेरियंट जो इसमें कलरफुल दिखाई दे रही है, दैट्स अ गुरामी. सो कौन सी गुरामी है ये? हनी गुरामी. हनी गुरामी, राइट. और इस सिकलेट के हम डोर्सल फिन देख सकते हैं. पूरी तरह से ये फिश जो है येलो इन कलर है. एंड भाई आपने पानी भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, अदरवाइज किसी एक मतलब एक जगह पे भी अगर घर में फिश टैंक हो या शॉप में हो तो पानी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक्वेरियम एग्जीबिशन में वो तो और भी डिफिकल्ट होता है. तो किस तरह से आपने इसको मेंटेन किया है? हम डेली बेसिस पे रात को इनको फीड करने वाला, हम डेली बेसिस से साइफन करते हैं. अच्छा. अमाउंट पे. ओके. एज ऑफ नाउ जैसे इवेंट खत्म हो जाएगा, बाय नाइट विल डू अनदर साइफन प्रोसेस. ओके. उससे गंदगी हम निकाल देंगे, वाटर विल बी फ्रेश थ्रू आउट द डे. ओके. यहाँ पे स्पॉन्ज फिल्टर्स लगे हैं जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, पर still we need to take care of the water parameters and other things so the okay. fish remains free and stress out of stress. okay. ab hum dekhenge ye wali tank iske andar kaun si hai bhai? isme 2 variants hai, red rainbow and blue rainbow fishes. okay. 2 variants hai isme.
right? Can you differentiate between them both, bhai? ये रेड रेनबो आप जो देख सकते हैं उनकी डोर्सल फिन और बाकी बॉडी का जो एरिया है आप देख सकते हैं पिंकिश रेड कलर का होगा और द ब्लू वंस विल बी हैविंग अ पर्ल स्पॉटेड फिनिश टुवर्ड्स इट शेड टू अ ब्लू लाइन आप देख सकते हैं दोनों भी इसमें है जी 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 एंड यहाँ पे नीचे इन्होंने इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी आप देख सकते हो कि किस तरह से इसको पानी लगता है वाटर की क्या कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर क्या होनी चाहिए और कम्युनिटी टैंक में रहती है या नहीं यहाँ पे भी आप देख सकते हो मतलब हर एक फिश जो इन्होंने डिस्प्ले की है उसके बारे में जो विजिटर्स है उनको जानकारी भी मिलेगी अगर इफ़ दे वॉन्ट टू कीप दैट पर्टिकुलर फिश इन देयर टैंक तो उसके बारे में भी उनको यहाँ पे जानकारी मिलेगी अब हम देखेंगे ये साइड के टैंक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक टैंक जो इन्होंने रखा है वो सभी टैंक्स को अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किया है नाउ वी आर वॉचिंग द ब्यूटिफुल फ्लावरॉन्स हियर तो कौन से फ्लावरॉन्स है भाई ये इसमें एक इसमें काम्फा फ्लावरॉन आप देख सकते हो काम्फा वेरिएंट है ओके नॉर्मल अदर फ्लावरॉन ऑलराइट इसमें दो वेरिएंट्स रखे हुए हैं देन विद वेरी गुड क्वालिटी हम मेंटेन करें इनको तीन दिनों से टेकिंग केयर ऑफ देम वेरी गुड अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टैंक और इसके अंदर की वैरायटी आप देख सकते हो जो काफ़ी यूनिक है अनकॉमन है बहुत जल्द देखने को मिलती नहीं है इनका क्या नाम है भाई इनका नाम है चाइनीज हाइफिन शार्क्स शार्क्स की वैरायटी है भाई ये शार्क्स की वैरायटी है यस यस और आप देख सकते हो इनके कलर्स कितने वाइब्रेंट है और लाइक ऑरेंज स्टैंड ऑन द एंटायर बॉडी यस और ये फिश बॉटम फीडर है अच्छा भी फीडिंग को देंगे बॉटम सिंकिंग पेलेट्स दिए ज़्यादा प्रेफर करती है ओके और क्या ये फिश मतलब एग्रेसिव होती है नहीं दे आर नॉन एग्रेसिव बट दे टेंड टू यू ग्रो बिगर इनसाइड ओके एज द नेम इटसेल्फ सेज कि चाइनीज शार्क तो क्या ये चाइनीज मतलब चाइना से बिलोंग करती है यस ये नेटिव इंडिया के नेटिव नहीं है दे आर फ्रॉम अदर प्लेसेस ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिश यहाँ पे कैटफिश की वैरायटी है कोई यस ये है ड्रिफ्ट फूड कैटफिश यस ओके तो क्या ये बड़ी होती है भाई बहुत साइज बड़ी होती है 27 सेंटीमीटर तक की साइज होती है इसकी ओके दे नीड अ बिगर टैंक आफ्टर सम टाइम अच्छा उन्होंने स्मॉलर स्पेसिमेंट्स रखे ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे भी कोई कैटफिश की वेरिएंट है जी 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 एंड ड्रिफ्ट फूड क्यों बुलाते हैं भाई इनको इनका पैटर्न बॉडी पे जो पैटर्न है जी इट लुक्स लाइक अ ड्राई वुड ओके यस हम देख सकते हैं यहाँ पे इनके बॉडी का पैटर्न दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ड्रिफ्ट कैटफिश एंड दिस गाइस टेंड टू स्टे इन हाइडिंग स्पेसेस आप देख सकते हो फिल्टर के नीचे और बाकी सब एरियाज में हाइड करना ज्यादा पसंद करती है जी जी लाइक रेगुलर कैटफिश यूजुअली डू इनको हाइडिंग स्पेसेस ज्यादा पसंद है ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट टैंक इसके अंदर कुछ अलग सी वैरायटी है यहाँ पे कौन सी है भाई ये है हॉर्स फिश लोच थोड़ी डिफरेंट वैरायटी है और आप देख सकते हैं इस तरह का फिश आपको कहीं पे देखने मिलेगा जी 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 डिफरेंट वेरिएंट वी हैव ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट दिस स्पेसिमेन ओके ये भी इंडिजीनियस स्पीशीज में से है ओके और ये कैसी भाई लेंथ में मतलब लंबी सी बढ़ती है बहुत यस ये 11.8 इंचेस वगैरह हो जाती है अच्छा साइज में ओके एंड द कलर वेरिएंट वुड बी लाइक दिस ओनली ये वाइब्रेंट कलर नहीं है ओके दे हैव अ सिल्वर लाइन काइंड ऑफ पैटर्न ऑन द बॉडी ऑलराइट रियली वेरी ब्यूटीफुल फिश यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो डिस्प्ले किए इन्होंने नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे यहाँ पे एक देख सकते हो आप काफ़ी बड़ी फिश है और इसके जो कलर्स है वो भी काफ़ी ब्राइट है क्या नाम है भाई इस फिश का सिकलेट ओके और ये क्या अफ्रीकन है अमेरिकन है अफ्रीकन सिकलेट है ये और इसको हार्ड वाटर की थोड़ी हार्ड वाटर की जरूरत होती है हार्ड वाटर की यस लिटिल हार्ड वाटर अफ्रीकन सिकलेट्स नीड लिटिल हायर पीएच एंड ऑल राइट ओके एंड फीडिंग वगैरह कैसा लगता है इसको? फीडिंग हम लोग इनको कमर्शियल फीड्स ही खिलाते हैं अच्छा। और इवेंचुअली वंस इन वंस एंड ट्वाइस इन अ वीक हम इनको श्रिम्प्स खिलाते हैं सो द कलर्स एंड अदर थिंग्स रिमेन इंटैक्ट ओके एंड बिहेवियर सिकलेट्स के जरिए इसका एग्रेसिव होता है यस एग्रेसिव है ये अच्छा। और ये एक्चुअली ये एक बड़ा स्पेसिमेंट हमको मिला इसके लिए हमने इसे अलग डिफरेंट टाइम में पोर्ट्रेट किया ओके कलर्स एंड द पैटर्न कैन बी सीन बट पी ओके हम देखेंगे नेक्स्ट फिश यहाँ पे है कौन सी फिश दिस इज हम्प हेड ग्लास फिश ओके तो जैसे ही नाम में हमको पता चल रहा है इनके आप हेड के ऊपर देख सकते हो एक हम्प है इसके वजह से भाई इनको बुलाया जाता है हम्प हेड आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट फिश आप देख सकते हैं यू कैन सी थ्रू द फिश ये एक डिफरेंट वेरिएंट है
ये भी वाइल्ड वेरिएंट है फिश का, इंडिजीनियस वेरिएंट्स में ही आती है। पीसफुल फिश है, पर इनको केयर लेवल मतलब आपको वाटर पैरामीटर्स और बाकी सारी चीजें, यू नीड प्रिस्टीन एंड क्लियर वाटर, आपको साफ सफाई बहुत रखनी पड़ती है, फिल्टरेशन शुड बी गुड फॉर दिस फिश। ओके, नेक्स्ट टैंक इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो फिश है, आप इनके टेल फिन की तरफ देख सकते हो एक ब्लैक कलर का पैच है, इसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। और टेल फिन के पास भी, टेल फिन के एजेस की तरफ छोटा सा ब्लैक कलर का पोर्शन है, तो काफ़ी यूनिक सी दिख रही है, अलग सी दिख रही है। क्या नाम है भाई इस फिश का? दिस फिश इज फैमिली, ये फिशेज का फैमिली बार्ब फैमिली से, जैसे आप टिन फॉइल बार्ब आप जानते हैं। जी ये उन्हीं की फैमिली से है, ये फिलामेंटल है, फिलामेंटल बार्ब जिनको बोला जाता है। अच्छा, आप देख सकते हैं इनका पैटर्न काफ़ी तक टिन फॉइल बार्ब की तरह है, पर दे यूनिक वेरिएंट, पॉइंटर्स एट द टेल एंड द बॉडी पैटर्न, राइट, रियली यूनिक फिशेज, और ये भी इंडिजिनियस स्पीशीज में से। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिश। इसके अंदर आप देख सकते हो काफी लवली कलर के ऑस्कर्स है, कौन से ऑस्कर्स है भाई? ये फायर ऑस्कर्स है, वी हैव केप्ट ऑस्कर के वैसे बहुत सारे वेरिएंट्स है, जी पर वी हैड गुड कलर स्पेसिमेंट्स विद अस, सो हमने वो यहीं पे पोर्ट्रेट किए ऑस्कर्स के। ओके, एंड क्या साइज की एट प्रेजेंट? ये 5 inches है और एक पैर है। तो मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा हूँ, तो जो भी आप अगर फिश आपके फिश टैंक में रख रहे रहोगे तो यू कैन वॉच द इन्फॉर्मेशन, तो आपको अगर उनके पीएच जाननी है, टेम्परेचर जाननी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपके टैंक में वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये वाली कौन सी फिश है भाई? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ यूनिक फिश, इसको बोलते हैं एलिगेटर गार्ड, एलिगेटर टाइप ऑफ मॉन्स्टर फिश। यस, ये 8 to 10 feet तक भी बढ़ जाती है। जी जी, दे नीड अ बेटर बिग टैंक्स फॉर यू, और यू कैन कीप इट इन पॉन्ड एज वेल, राइट? एक्वेरियम के लिए कुछ वक्त के लिए एक्वेरियम के लिए ठीक है, पर यू नीड अ बेटर स्पेस फॉर दिस फिश। यस, और बहुत एग्रेसिव है। इस फिश का आप लुक देख सकते हो, इट्स समवॉट सिमिलर टू एन एलिगेटर, दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज एलिगेटर गार। और ये फिश जो है मॉन्स्टर फिश कीपर्स को काफ़ी पसंद होती है, इसलिए मॉन्स्टर फिश कीपर्स जो है इनके काफ़ी दीवाने होते हैं। जब ये बड़ी हो जाती है तो काफ़ी कूल दिखती है, और वैसे इसकी जो सामने का पोर्शन है, जो इसका माउथ है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैं आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी जो इन्होंने दिखाई है यहाँ पे, वो भी दिखाना चाहता हूँ। हियर इज़ द नेक्स्ट फिश, और इसके ऊपर आप देख सकते हो काफ़ी स्पॉटिंग्स है, तो ये फिश काफी खूबसूरत दिख रही है। इसकी वजह से ये फिश का क्या नाम है भाई? ये फिश है टेक्सस सिगलेट, इसको शॉर्ट बॉडी कहेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं इनके बॉडी का शेप है, जी राउंडेड शेप है, और ये भी सिगलेट फैमिली से है, वेरी एग्रेसिव, दे नीड हाइडिंग स्पेसेस अगर आपको कम्युनिटी टैंक में रखना है। जी अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने गोल्डफिश की, फैंसी गोल्डफिश की वैरायटीज इसके अंदर डाल के रखी है। तो क्या नाम है भाई इन प्यारी गोल्डफिश का? दिस ये गोल्डफिश वेरिएंट है बबल आई गोल्डफिश, आप देख सकते हो कि आंखों के पास एक बबल जैसा एक स्ट्रक्चर है। जी वेरी यूनिक, हमेशा ऐसी फिशेज देखने नहीं मिलती है। जी डिफरेंट वेरिएंट ऑफ गोल्डफिश। तो जो फैंसी गोल्डफिश कीपर्स होते हैं उनको ये काफ़ी फिश पसंद होती है, बिकॉज आप देख सकते हो इनके ऊपर जो बबल्स आए हुए हैं, दैट इज़ वाई दे आर लुकिंग समवट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपार्ट फ्रॉम, दे आर स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल गोल्ड फिश। तो 3-4 inch की सब भाई अभी ये रहेगी? यस। तो ये जैसे बड़ी होती है तो ये बबल भी बड़े होते हैं? यस दोनों हो। अच्छा, तो भाई क्या इनको पैलेट फीडिंग जो होती है पैलेट की, हाँ, वो सिंकिंग लगती है कि फ्लोटिंग लगती है? नहीं, ज़्यादातर ये सिंकिंग पैलेट ही खाएंगे क्योंकि ये बॉटम पे ही ज़्यादा रहते हैं, राइट? और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बबल आई गोल्डफिश रख रहे हो जी तो बाकी गोल्डफिश उनके साथ ना रखें, क्योंकि ये स्लो स्विमर है बाकी गोल्डफिश वेरिएंट्स से। ओके, और थोड़ी सी फ्रेजाइल भी है, आप देख सकते हो जो बबल है साइड का, जी बिकॉज ऑफ दैट देखिए वो कितना स्लोली तैर रही है, जी इट हैज़ अ काइंड ऑफ वेट इन इट। ओके, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अलग किसी टैंक में रखिएगा उनको, जी तो स्पेसिमेंट अच्छे से रहेंगे। ओके, हियर इज द नेक्स्ट फिश, तो ये वाली कौन सी है भाई? ये है जर्मन ब्लू रैम। जर्मन ब्लू रैम, वी आर वॉचिंग द नेक्स्ट फिश, इसके अंदर कौन सी है भाई? इसमें डम्बोयर गोल्ड, ये है गपीज है। अच्छा, डम्बोयर गपीज आप देख सकते हैं, जी बहुत अच्छे स्पेसिमेंट्स है, एंड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं काफ़ी सारे गपीज है।
ये सारे डम्बो गियर है भाई, ये सारे डम्बो गियर है और सारे के सारे मेल है, इसमें कोई फीमेल स्पेसिमेंट है नहीं। ओके, ओवर हियर दीज आर गोस्ट कैटफिश। गोस्ट कैटफिश हम देख सकते हैं इनके, हम थ्रू आउट देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड जो पीछे का है हमको, हम देख सकते हैं इनके बॉडी के थ्रू बिकॉज दे आर ट्रूली ट्रांसपेरेंट। एंड आई ट्राई टू फोकस ऑन वन फिश बिकॉज आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। सो आप अब देख सकते हो कि जो पीछे का सेलोटेप है वो आप क्लियर कट देख सकते हो इनके बॉडी के थ्रू, वी कैन क्लियरली सी द बोन्स। काफ़ी एग्जॉटिक सी फिश है और यहाँ पे इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो नेक्स्ट फिश वी आर कवरिंग नाउ, यहाँ पे कौन सी है भाई? ये है लॉन्ग ईयर सनफिश। लॉन्ग ईयर सनफिश, ये आपको फ्लोइंग रिवर्स में रहने वाली ये फिशेज है। दे टेंड टू लुक मोर रेड इन कलर। ओके, यहाँ पे अभी नेचुरल फीड पे है, हम कोई भी प्रोसेस्ड या और कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं करें जिसमें कलर ज़्यादा वाइब्रेंट हो। ओके, और यहाँ पे दो तीन दिन एग्जीबिशन में इनको रखा गया है। यहाँ पे फिश ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होती, हम लोग को स्पेसिमेंट्स मिले जो हम लोग स्टूडेंट्स के लिए सेव करके रखे थे ताकि हम एग्जीबिशन में इनको दिखा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैरायटीज बॉटम पे बैठी हुई है, क्या नाम है भाई इनका? ये है बर्ड सेनिगल्स। बर्ड सेनिगल्स, और इसमें दो वेरिएंट्स है, अल्बाइनो और लेपर्ड। ओके, ये वाली कौन सी है भाई? ये अल्बाइनो है। अल्बाइनो आप देख सकते हैं, रेड आई अल्बाइनो। यस, एंड ये वाली और लेपर्ड सेनिगल, दिस इज अ कॉमन सेनिगल वेरिएंट। ओके, हमेशा देख सकते हैं लेपर्ड सेनिगल, आप देख सकते हो पैटर्न ऑफ वेरी ब्यूटीफुल। यस, और ये भी मॉन्स्टर वेरिएंट है, दे टेंड टू ग्रो वेरी बिग। ऑलराइट, अब देखेंगे नेक्स्ट फिश, इसके अंदर काफ़ी टाइनी टाइनी है, कौन सी है ये? ये है एंडलर गपी। एंडलर गपी, गोल्डन गोल्डन एंडलर गपीज और रेड टेल एंडलर गपीज है। ओके, दोनों एक ही कम्युनिटी टैंक में हमने रख दी है। ऑलराइट, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो एक काफ़ी जायंट साइज की फिश है, ये अगेन मॉन्स्टर फिश कीपर्स की, मॉन्स्टर फिश लवर्स की वन ऑफ द फेवरेट फिश है, क्या नाम है भाई इसका? ये है मोनोक्यूलस पिकॉपास। ओके, और अभी एट प्रेजेंट क्या साइज की है? ये 5 इंचेस प्लस है। ऑलराइट, और हम लोग अभी ये एक ही वेरिएंट हमने रखा हुआ है। जी जी, एंड इट इज मॉन्स्टर वेरिएंट, और ये फिश जैसे मैंने आपको एलिगेटर गार बोला था, जी जी, ये इसके साथ रखी जा सकती है, एलिगेटर गार्स, ऑस्कर्स, ओके, सबके साथ रह सकती है फिश। ऑलराइट, ये फिल्टर के पीछे छुपी थी बट नाउ आई हैव गॉट अ वेरी गुड शॉट। आप देख सकते हो इसकी जो माउथ की जो साइज है, तो भाई एक थंब रूल होता है कि आप अगर इसको ऐड करते हो तो इस फिश के माउथ से बड़ी फिश आपको ऐड करनी है। राइट, तो क्या ये मतलब सबको खा जाती है अगर छोटी ऐड करेंगे तो? अगर छोटी फिशेस आप रखते हो, जी जी, दे टेंड टू हैव अ ये कार्निवोरस है, तो वो जैसे जो भी फिश इसके मुंह में ऐड हो सकती है वो फिश को ये अटैक करेगी। ओके, तो देयर इट्स बेटर यू गेट अ सिमिलर साइज फिश। ओके, सो वो एक साथ कम्युनिटी में रह पाएंगे। ऑलराइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिश यहाँ पे, दिस वन, ये कौन सी है भाई? ये है चन्ना फिश है, इसको बोलते हैं चन्ना स्पीसीज की फिश है। यस, चन्ना फिश, इसको चन्ना बरका भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या भाई, बॉटम में ही रहती है? ये बॉटम फीडर है, स्नेक हेड की वेरिएंट है ये। ओके, और दिस इज नेटिव टू इंडिया। राइट, एंड बिहेवियर क्या एग्रेसिव होता है इनका? हाँ, ये बहुत ही एग्रेसिव है, टेंड टू हाइड इन क्रेविसेस। ओके, यहाँ पे और बाकी वेरिएंट्स भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ चन्ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टैंक में काफ़ी बड़ी साइज की पैरेट है, कौन सी पैरेट है भाई? ये सुपर किंग कॉन्ग पैरेट है। सुपर किंग कॉन्ग पैरेट, एट प्रेजेंट कितनी बड़ी है? ये 5 इंचेस है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे नेक्स्ट फिश है, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम्सी। इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम्सी, ये एक फीमेल वेरिएंट है। ओके, इसमें एक मेल वेरिएंट हमारे पास है एज ऑफ नाउ, बट इट इज इनटू ब्रीडिंग प्रोसेस। ओके, बॉडी के ऊपर हम देख सकते हैं थोड़े थोड़े शाइनी स्पॉट्स है जो ग्लो कर रहे हैं। ये फिश की आप सामने का लुक देख सकते हो जो अभी सामने आ गई है। तो इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग वैरायटीज के फिश
फिशेज इन्होंने डिस्प्ले पे रखे हैं और इसके वजह से काफ़ी लोगों को इनके बारे में जानकारी भी मिलेगी और ऐसे खूबसूरत फिशेज इनको देखने भी मिलेगी। अब हम देखेंगे अगला सेक्शन जहाँ पे और भी काफ़ी सारे फिशेज इन्होंने रखे हैं। नाउ वी आर वॉचिंग अ ह्यूज फिश और इसकी साइज देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी साइज की है। तो भाई कितनी बड़ी साइज की है ये अभी? और भी 1 feet साइज है, जायंट गुरामी। जायंट गुरामी और ये मेल जायंट गुरामी है। ओके एंड आप यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही इसने अपना जो है राइट टर्न ले लिया है तो इसकी पूरी साइज आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी है और इनका जो लुक होता है वो वाकई में एक मतलब पूरी मॉन्स्टर फिश के जैसा इनका लुक होता है। तो भाई इनको फीडिंग में मैंने सुना है कि ये वटाना हो गया, काकड़ी हो गया, ये सब खा लेती है, क्या ये सच है? यस यस, ये हर्बीवोरस है, ये खा लेती है चीज़ें। अच्छा, प्लस प्रोसेस फूड्स भी ये खा लेती है, बट यू टेंड टू कीप देम इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। ओके, धीरे धीरे सीख लेती है और वो चीज़ें भी खाने लग जाती है, प्रोसेसिंग फूड्स। ओके, तो दोस्त पीपल हुआ कीपिंग जायंट गुरामी, यहाँ पे कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपको इनको अच्छे से रखना है तो ये आप केयर लेवल ले जो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, तो आपकी जायंट गुरामी भी इस इनके तरह जो इन्होंने रखी है इतनी बड़ी साइज़ में आराम से हो जाएगी उनके फिश टैंक में। तो भाई कोई अगर ऐसी जायंट गुरामी रख रहा है स्मॉल बेबी साइज़ की, आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितनी टैंक मिनिमम वो रखे ताकि वो फिश अच्छे से रहे टैंक में? ये अभी स्पेसिमेंट टैंक है तो हमने छोटी टैंक रखी है। राइट राइट, पर अगर आपको ये साइज़ बढ़ानी है मिनिमम आपको 3 feet टैंक तो होनी ही चाहिए। ओके, अगर आपको ये साइज़ इसको बढ़ाना है। ऑलराइट, नाउ वी आर वॉचिंग द नेक्स्ट सेक्शन। इसके अंदर हम सबसे पहले ये वाली फ्लावर ऑन कवर कर रहे हैं। ये वाली कौन सी फ्लावर ऑन है भाई? ये कॉमन फ्लावर ऑन है। ओके, एसआरडी। हाँ यस, ये हमने हमारे यहीं पे ग्रूम की है। अच्छा, वेरी गुड स्पेसिमेन, आप देख सकते हैं इसको। जी जी जी। नेक्स्ट यहाँ पे है काफ़ी सारे गोल्ड फिश की वराइटीज इस टैंक में, एक एक के बारे में हम जानेंगे। भाई ये वाली कौन सी है? ये रूकिन गोल्ड फिश है। रूकिन ओवर हियर, रेड कैप ओरांडा। ओके एंड ये जो ऊपर ब्लैक मोर, ये वाली? यस, ये वाली ओरेंडा, ब्लैक ओरेंडा। ब्लैक ओरेंडा एंड यहाँ पे आप इस ओरेंडा की साइज देख सकते हो, काफी बड़ी साइज की है। तो ये वाले भाई आपने बताई, ये रूकिन, रूकिन। ओके, तो गोल्डफिश की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इनको कैसा पीएच लगता है, कैसा टेम्परेचर लगता है, तो ऐसे आप आपके टैंक में एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे सिकलेट्स है शायद भाई इसके अंदर। yes, कौन से सिकलेट्स? ये सारे पीकॉक वेरिएंट्स है, पीकॉक के। ये सारे भाई पिकॉक के हैं? ये सारे पिकॉक वेरिएंट्स ही है, अलग अलग वेरिएंट्स हमने रखे हुए हैं। ओके, और पार्टीशन इसलिए रखा है जी जी, सारे के सारे मेल्स हैं जी ताकि जी वो डोमिनेशन की वजह से कलर वाइब्रेंट रहे। ओके, हमने कम्युनिटी टैंक के लिए एक्चुअली वो नहीं रखा हुआ है। ओके, कुछ स्पेसिमेंट्स थे तो वही हाईलाइट करने के लिए। राइट, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं काफ़ी अनकॉमन टाइप की फ़िश है, काफ़ी यूनिक टाइप की फ़िश है जो काफ़ी कम देखने को मिलती है। सबसे पहले हम ये वाली फ़िश देखेंगे, ये वाली कौन सी है भाई? ये है स्टर्जन फिश। स्टर्जन फिश, यस। एट प्रेजेंट क्या साइज़ की है ये? 5 inch के आसपास है, 4.5 inch के पास है। अच्छा एंड भाई ये काफ़ी बड़ी होती है ना साइज? यस यस यस। कितनी बड़ी हो जाती है ये? 10 feet तक हो जाती है और इनकी खासियत ये है ये कैवियर के लिए फेमस है। राइट राइट राइट, yes and I've also heard that the most expensive caviar comes from the sturgeon fish. तो आप देख सकते हो इसकी जो लुक भी है, एक pointed head रहता है इनको, that is why they stand apart from the other fishes. ये जो इनका look है ये इनको बाकी fishes जो है उनसे अलग कर देता है, इनका जो look ये ऐसा जो है। उसके बाद में यहाँ पे अगली fish ये वाली, ये है अरापाइमा fish है, this also monster variant. yes, ये हमने छोटी specimen रखी है यहाँ पे। okay, ये also tend to grow very huge. okay, अरापाइमा भी मॉन्स्टर फिश कीपर्स की काफ़ी फेवरेट फिश है एंड जब ये बड़ी हो जाती है तब इसका लुक जो है काफ़ी कमाल का हो जाता है एंड ये एक झपटा लेके फीडिंग करती है, दैट इज़ वाई मॉन्स्टर फिश लवर्स को ये फिश काफ़ी पसंद है। एंड यहाँ पे इन्होंने अरापाइमा के बारे में इन्फॉर्मेशन है और ये स्टर्जन के लाइफ साइकिल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी फेमस शो है रिवर मॉन्स्टर्स का, उसमें इन्होंने ये अरापाइमा है भाई, ये अरापाइमा इन्होंने उठा के रखी। तो आप देख सकते हो कि रिवर में ये फिश काफ़ी बड़ी हो जाती है साइज़ में। अभी मैं आपको इसकी साइज़ दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये भाई एट प्रेजेंट अभी 4 to 5 inches, 6 inches की रहेगी। तो आप देख सकते हो ये 6 inches की है अभी एंड एट प्रेजेंट, और जब ये रिवर में जब ये बढ़ती है तब इसका जो मैक्सिमम ग्रोथ साइज़ है वो आराम से 4 to 5 feet तक हो जाता है।
तो नेक्स्ट टैंक हम कवर करेंगे. इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत सी अरवाना है. कौन सी अरवाना है भाई? गोल्डन हाईबैक अरवाना है. गोल्डन हाईबैक अरवाना क्या साइज की है? ये 5 inches के आसपास है. ओके, तो हाईबैक में भाई कैसा पैटर्न होता है फिश को? हाईबैक का पैटर्न ऐसा है कि इट हैज़ अ गोल्डन टैनिंग टूवर्ड्स इट. ओके, और इनको पहचाना है तो इनके स्केल्स के पैटर्न के हिसाब से हम पहचान सकते हैं. एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव द कंटेंट टू शो यू स्केल का पैटर्न कैसे करते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अरवाना के जो बॉडी के जो पार्ट्स है उसके बारे में इन्होंने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन रखी है. और बहुत लोग को जो पूछते हैं लोग कि इनके सामने क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनको बाबल बोला जाता है. काफ़ी बार मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो. अगर बाकी आपको अरवानास की फिन पार्ट्स वगैरह जानने तो यहाँ पे आप गौर फरमा सकते हैं. नेक्स्ट हम फिश के बारे में जानेंगे. यहाँ पे ये वाली कौन सी? इंडोनेशियन डेटोनाइट फिश ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड द स्पॉन्ज फिल्टर. आप देख सकते हो इसके पैटर्न जो है, और डॉर्सल फिन अब ये धीरे धीरे इरेक्ट कर रही है. तो जब इसको किसी को डराना होता है या खुद डर जाती है तब ये ऐसे इरेक्ट कर देती है. और अभी फिलहाल भाई ये क्या साइज की है? ये 4.5 इंच के आसपास है. ऑलराइट, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फिश टैंक की तरफ. यहाँ पे है काफ़ी लवली डिस्कस जो काफ़ी कामली एक जगह पे है, कुछ जो है धीरे धीरे से स्विम कर रहे हैं. कौन से है डिस्कस? ये है प्लैटिनम डिस्कस है. एक्चुअली इस इवेंट में प्रणव फ्रेंड ऑफ माइंड, ओके, उनका ये टैंक और उनका ये स्टॉक है. अच्छा, ये सारे हाइलाइटिंग, हाँ, ही स्टॉक ये. अच्छा, उनके पास बहुत अच्छे डिस्कस के स्पेसिमेंट्स हैं. ओके, तो हमने डिसाइड किया तो कुछ स्पेसिमेंट्स हमारे यहाँ पे भी एग्जीबिशन में. सारे उनके रेस डिस्कस है? यस यस यस. ओके, इज अ वेरी गुड ब्रीडर इन टू डिस्कस. ओके, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश जो काफ़ी कम देखने को मिलती है फिश शॉप्स में और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है इनको अच्छी तरह से रखने में. तो क्या नाम है भाई इस फिश का? ये पफर्स है, इन्हें फोगू भी कहा जाता है. फोगू? जापान. यस, जापान में इन्हें एक बहुत बड़ी डेलिकेसी माना जाता है. ओके, इनका मतलब इन्हें खाया जाता है. अच्छा, दीज आर टॉक्सिक फिश, बट बिफोर प्रिपेयरिंग देम इनका कुछ बॉडी पार्ट्स है वो निकाल दिए जाते हैं जो टॉक्सिन कंटेंट करते हैं, बाकी फ्लैश को खाया जाता है. अच्छा, बहुत कम शेफ्स है जापान में जो इन्हें बनाते हैं. ओके, एंड इसके साथ ये वाली, दीज आर सीबे एंजल्स एंड अदर आर द मोनो एंजल्स. इसमें दो एंजल के वेरिएंट है और ये ब्रैकिश वाटर टैंक है. ओके, सो ये टैंक में जो भी वैरायटीज है सारी ब्रैकिश वाटर है भाई? सारी ब्रैकिश वाटर. ओके, तो जिन्होंने भी मोनो सीबेज रखे हैं तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं हाउ टू कीप देम प्रॉपरली, हाउ टू प्रोवाइड देम अ प्रॉपर टेम्परेचर एंड पीएच, एंड पफो फिश के बारे में भी जानकारी इन्होंने बताई है. मोनो एंजल के बारे में भी है जानकारी इनके पास. नाउ हियर वी कैन वॉच द नेक्स्ट टैंक. यहाँ पे है आर्चर फिश इसके अंदर, राइट? आर्चर फिश है भाई. ओके, इनके बारे में भाई कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे? आर्चर फिश की यूनिक एबिलिटी ऐसी है कि ये फिश इन वाइल्ड दे ट्राई टू यूज एज अ वाटर गन टू गेट हिट देयर प्रे. मतलब ये पानी के नीचे से वाटर गन मार के पेड़ों पे रहने वाले इंसेक्ट्स को गिराकर खा लेती है. ओके, ये भी एक रेयर वेरिएंट है. Okay, काफी देखने नहीं मिलती. जी जी जी. तो हमारे साथ है इस एक्वेरियम एक्सपो के ऑर्गेनाइजर मिस्टर देवर्ष. तो देवर्ष भाई, इस पूरे एक्वेरियम एग्जीबिशन के बारे में कुछ हमें बताना चाहोगे? और आप इसके अलावा आपका जो मेन उद्देश्य है इसके पीछे के, जो आपका मेन मोटिव है, या जो ये जो विजिटर्स है जो यहाँ पे आ रहे हैं देख रहे हैं और जो हमारे एक्वेरियम हॉबिस्ट है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओवर टू यू भाई. मेरा नाम देवर्ष भोईर है. आई एम द ओनर ऑफ एक्वामरीन्स. एक्वामरीन्स एक्चुअली पालघर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये ऑर्नामेंटल फिशरीज के प्रमोशन के लिए ये इवेंट्स करवा रहे हैं. सो वी आर हैविंग अराउंड 40 वेरियंट्स हियर. ये इवेंट इसलिए रखा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स वो आर रेडी टू गेट इन टू एंटरप्रेनरशिप, वो यहाँ आए, वो सीखे, देखे, और अगर उन्हें लगे कि वो ऑर्नामेंटल फिशरीज में कुछ रेवोल्यूशन ला सकते हैं तो इसीलिए यहाँ पे इवेंट रखा गया था. वी आर कीपिंग दिस इवेंट विद एसोसिएशन विद OFTRI, ऑर्नामेंटल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर, द ओनर ऑफ विच इज़ अतुल कुमार जैन. He has been a good support for us and inspiration to be in a ornamental industry. और हम इस सेक्टर में यहाँ पे पालघर में बहुत सारे और इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं हो रहा है
वर्क कर रहे हैं उस पर. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर विद मिस्टर अशोक मनवानी. और नेक्स्ट ईयर तक हम उसके ऊपर एक आउटपुट और एक सेशन भी रखने वाला है कि हाउ टू गेट इनटू फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर और प्रॉन्स कल्चर एज वेल. द मोटिव ऑफ दिस इवेंट वॉज कि हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर भी एक सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा करियर किया जा सकता है. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सीखे हुए हो. अ लेमैन ऑल्सो कैन बी अ ब्रीडर और अ टैंक फैब्रिकेटर और समवन एल्स हु इज़ रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री. और काफ़ी दिनों से ये इवेंट चल का प्रोविजन हो रहा था. इनिशियली वी गॉट दिस इवेंट एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड द इवेंट इज रियली सक्सेसफुल. पीपल आर रियली हैप्पी इन वसई टू सी दिस इवेंट फर्स्ट टाइम एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी दैट कि इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला. वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स बट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा. स्कूल्स एंड और कॉलेजेस वेर रियली हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ इवेंट एंड पीपल एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट नेक्स्ट ईयर इज वेल. सो वी आर ट्राइंग टू गेट दिस इवेंट अगेन शेड्यूल्ड और हम बहुत जल्दी इसके बारे में एक नई अपडेट आपको ज़रूर देंगे. एंड काफ़ी मज़ा आया मुझे भाई आपके सारा एग्जीबिशन देख के, आपके फिशेज देख के. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई ये हॉबी में कोई जब इनिशिएटिव लेता है, ये इतने बड़े लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइज करता है फिशेज के बारे में, खास करके लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे फिश को रखना चाहिए. ये जो आपने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किए काफ़ी मज़ा आया मुझे. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द एक्वेरियम एक्सपो दैट इज़ हेल्ड इन वसई. ये जो एक्वेरियम एग्जीबिशन है ये 3-4 दिनों से यहाँ पे हो रहा है और इन्होंने काफ़ी सारे, जैसे कि आपने देखे, काफ़ी सारे इन्होंने फिश वराइटीज़, फिश स्पीसीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए. और ना सिर्फ इन्होंने ये जो फिश वराइटीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किए बट इन्होंने इनके साथ इन्फॉर्मेशन भी रखी है. काफ़ी बड़े बड़े बैनर्स इन्होंने लगाए जहाँ पे लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं, ये फ़िश कैसे रखना है वो सब जान सकते हैं. सो ये था आज का वीडियो एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे एक्वेरियम फ़िश एग्जीबिशंस कवर करना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके. काफ़ी मज़ा आया ये सारे वराइटीज़ देखे, कुछ मॉन्स्टर फिश वराइटीज़ भी हमने देखे. सो दिस वॉज टुडेज वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये एग्जीबिशन कैसा लगा.